नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल में। दिल्ली के लाजपत भवन में एसडी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा म्यूजिकल शाम का आयोजन किया गया। यह दोस्तों कार्यक्रम की थीम आजा शाम होने आई रखी गई। कार्यक्रम में लगभग 25 से अधिक सिंगर्स ने हिस्सा लिया और 32 से अधिक गानों की पेशकश हुई। दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी गायक कलाकार यहां पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन संध्या गांधी और उनकी टीम के द्वारा किया गया। संध्या गांधी एसडी म्यूजिकल ग्रुप की फाउंडर हैं। हमारे रिपोर्टर ने की आयोजक और सिंगर से खास बातचीत। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कैसी रही ये म्यूजिकल शाम। प्रोग्राम कराया है, क्या मकसद था और किस तरीके का रहा है आज का प्रोग्राम? कितने सिंगर्स इस प्रोग्राम में आए? मेरे यहाँ पर 28 सिंगर्स ने पार्टिसिपेट किया है और टोटल मैं 30 सॉन्ग्स लेकर आई हूँ यहाँ पर। वो खुली मेरे को लगता है कि सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और सिंस जैसे कि 2020 कुछ खास यादें हमें नहीं देकर जा रहा, सब लोगों ने बहुत सर्वाइव किया है। बस मेरा यही मकसद था कि हम कुछ ऐसी जाते जाते साल को कुछ ऐसी यादें जोड़ दें कि हम 2020 को भी याद रखें। अच्छा बुरा वक्त हर एक पर आता है, तो इस बार फिर भी सबने इसको सर्वाइव करते हुए हंसते गिरते समय को निकाला है। तो 2020 को मैं एक अच्छी याद के साथ अलविदा करना चाहती थी, यही सोचकर मैंने ये प्रोग्राम रखा है। और इसको मैं 2021 में भी ला सकती थी, लेकिन बस मैं इसी मकसद से लेकर आई हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही टैलेंट को प्रमोट करती रहूँगी, मेरी यही कोशिश रही। मैम 2020 में काफ़ी नियम और काफ़ी स्थितियाँ बदल गई हैं कोविड की वजह से, अब उसके बाद कैसे मुश्किलें आ रही हैं या उस दिक्कतें हैं अभी भी प्रोग्राम कराने में? नहीं, प्रोग्राम कराने में जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे, मैंने सभी जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे मैंने सबको अडॉप्ट किया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, मास्क मैंडेटरी करे है, हमने प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया है और जो मेरे से बेस्ट मैं कर पा रही थी मैंने किया। 2021 के क्या प्लान है आपके, किस तरीके? 2021 में भी मैं बहुत जल्दी एक शो ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ रूह से रूह तक, और वो मेरा शो अभी मैंने डेट और वेन्यू डिसाइड नहीं किया है, बट इट इज कमिंग। मैम आपको गुड नेम एंड आप कहां से? नूपुर वद्दम, आई एम मिसेस डेलियन सा NCR 2017 एंड आई एम प्रोफेशनल सिंगर एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर। मैम आज आप यहां हैं, कैसा देखने को मिला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल शो है, ऑल सिंगर्स आर वेरी टैलेंटेड एंड संध्या जी ने जो ये एक प्लेटफॉर्म सबको दिया है इतनी अच्छा सबको आगे बढ़ने का और इतने अच्छे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, अपनी वॉइस को आगे लाने का, दैट इज़ रियली अमेजिंग। मज़ा आ गया देख के और मैं भी इसका एक बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ और हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। शी इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन एज वेल। मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी को जो आए हैं? जो भी सब यहाँ आए हैं मैं उनसे बस इतना बोलूँगी कि ऐसे ही जो भी सिंगर्स आते हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें और इंजॉय करें लाइफ को एज विद म्यूजिक। जगदीप बीटा मल्होत्रा फ्रॉम लुधियाना, बाई प्रोफेशन बिजनेस मैन। तो मैं दिल्ली में आया हूँ, ये कोरोना काल के बाद जो ये फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो देख रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 8-9 महीने से बहुत कुछ झेल रही है, तो उसके बाहर निकलने के लिए और अपना जनजीवन जो नॉर्मल आए उसके लिए ऐसी ग्रुप और संध्या गांधी जी ने एक बहुत बड़ी कोशिश करी है, तो सराहनीय है, तो उसको हम सभी सपोर्ट करते हुए इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे कि दिल्ली दिल वालों की है तो फिर वही चहकती महकती रहेगी, तो ऐसे ही हम कामना करते हैं। तो उसी के साथ हम सबको इसको सपोर्ट करते हैं कि ऐसे और भी ऑर्गेनाइज हों प्रोग्राम जिससे दिल्ली वो जो एक मुश्किल की घड़ी है उससे बाहर निकले और सभी अपना जीवन अच्छे से गुजारे। थैंक यू। अग्रवाल, मैं कविता म्यूजिकल क्लब की ऑर्गेनाइजर हूँ। मुझे संध्या गांधी जी ने भी इन्वाइट किया और मेरा एक सॉन्ग हुआ शायद मेरी शादी का ख्याल, और संध्या जी बहुत कोऑपरेटिव नेचर की हैं, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने वैसे फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया ये स्टेज शो जो है उनका, और लॉकडाउन के बाद उनका फर्स्ट शो ही है जो मतलब स्टेज शो हुआ है। वैसे तो करोगे बहुत हुए हैं,
बट आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम क्या कहना चाहेंगे मैम के लिए और आज का ऑर्गेनाइजेशन कैसा देखा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था उनका, रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दी उन्होंने और हमारी ट्रॉफीज वगैरह भी बनवाई और बहुत ही अच्छे दिल की हैं संध्या जी, थैंक यू। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक्स संध्या मैम। मेरा नाम अनिल ठकराल है, मैं रेवाड़ी से हूँ और मैं बिजनेसमैन हूँ और कोरोना काल से पहले तो काफ़ी शोज़ में आते थे, कोरोना काल के बाद संध्या जी का ये सराहनीय प्रयास है जो उन्होंने किया और फर्स्ट टाइम ही इतना बड़ा शो उसने किया कोरोना काल के बाद, बहुत ही अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करके और इसके लिए संध्या जी बधाई की बात है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भविष्य में भी इस तरह के शो को करती रहें ऐसी कामना करें। बिजनेस से संगीत का किस तरीके से मिलन? शौक तो बचपन से था लेकिन बिजनेस भी हमारा ऐसे रेस्टोरेंट फील्ड है तो टाइम उसमें बहुत ही कम मिल पाता है, फिर भी उसमें शौक है उसका, उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइम हो ही, तो मुझे बहुत शौक है तो जितना भी टाइम मुझे फ्री मिलता है।